तो गाइस फिर कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए। मैं आ चुका एक नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ टेक्नो कैमन 19 प्रो स्मार्टफोन के बारे में। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, यानी कि इसमें रैम वगैरह कितना मिल जाता है, कैमराज कितने मिल जाते हैं, और इसमें डिस्प्ले वगैरह में क्या फीचर दिए गए, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली, 2 या 3 मिनट की वीडियो, आप एंड तक देख लीजिएगा। इस फोन के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी दोस्तों, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना फालतू बात के। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस फोन के साइज एंड वेट के बारे में। ठीक है, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। बात करें इसकी लंबाई की, यानी कि इसकी हाइट, वो है 16.7 सेंटीमीटर की। विड्थ की बात कर लें तो यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, और थिकनेस की बात कर लें तो यहाँ पे 0.9 सेंटीमीटर की थिकनेस, यानी कि थिकनेस ज्यादा नहीं है, स्लिम फोन है। ठीक है, और इसकी वेट की बात करें मतलब कितना भारी है, तो ये आपको 204 ग्राम का मिल जाता है, यानी कि ये मतलब काफी हल्का फोन है। ठीक है, 204 ग्राम इसकी वेट है। और अब हम लोग जानेंगे कलर के बारे में। तो कलर जो है इसका, इस फोन का, वो हमारा मॉन्ड्रियन है। ठीक है, कलर मैंने अभी पहले बार सुना है इसका कलर मॉन्ड्रियन, पता नहीं कौन सा कलर होता है, खैर जो भी है अब तो रियलिटी तो यही है। रैम एंड रोम की बात करें इस फोन के बारे में, यानी कितना इसमें रैम मिल जाता है, कितना रोम मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको 8 GB रैम मिल जाता है, और इंटरनल स्टोरेज की बात करें यानी कि हमारा रोम, तो वो 128 GB मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इस फोन के कैमरे के बारे में। ठीक है, यहाँ पे इस फोन के अंदर आपको 3 कैमरा दिए गए। ये फोन ट्रिपल कैमरा फोन है। पहला कैमरा हमारा 64 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का। ठीक है, फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है इस फोन के अंदर। वही हम लोग प्रोसेसर की बात करें इस फोन में दिए गए प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको हेलियो G96 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है इस फोन के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है दोस्तों। और डिस्प्ले फीचर्स की हम लोग बात कर लें, जान लेते हैं स्क्रीन साइज वगैरह क्या है। तो स्क्रीन साइज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 6.8 इंच की स्क्रीन साइज मिल जाती है, काफी ज्यादा बड़ी स्क्रीन है। और स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात कर लें तो यहाँ पे 2460x1080 पिक्सल का स्क्रीन रेजोल्यूशन दिया गया है। ठीक है, और अब हम लोग जानेंगे इस फोन के बैटरी कैपेसिटी के बारे में, यानी कितनी ज्यादा पावर वाली बैटरी मिल जाती है। यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है दोस्तों, विद 33 वॉट फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट के साथ, यानी कि यहाँ पे आपको 33 वॉट का फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है। और यहाँ पे सिर्फ एक खास बताओ सुन लीजिए, 30% चार्ज कर देगा ये आपका फोन 13 मिनट में। यार सच में 13 मिनट में 30% चार्ज, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तो सारे फीचर मैंने जो मेन था इस फोन के बारे में मुझे बता दिया हूँ आपको। ठीक है, अगर आपको फोन अच्छा लगता है, पसंद आता है, मान लीजिए अपने बाय करना है या तो कुछ करना है, तो बॉक्स आपको जो मिलता है, ठीक है, जो डिलीवरी बॉय बॉक्स लेके आता है आपके घर तक, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें देते हैं वो बता देता हूँ। स्मार्टफोन देंगे, ठीक है, वो तो मिलेगा, मिले 33 वॉट पावर एडाप्टर दे देते हैं, टाइप सी केबल दे देंगे, ठीक है, सिम इजेक्टर टूल दे देंगे, सारी ये सारी चीजें आपको बॉक्स में मिल जाती है। ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी इस फोन के बारे में। वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल हमारा नया क्रिएट करा गया, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट गैजेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।